आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ आपके साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है, आपकी परमानेंट पोस्ट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, वॉक इन इंटरव्यू रहेगा एंड डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छे कवर किए गए हैं। आपकी वैकेंसी 80+ रहेगी, परमानेंट पोस्ट है तो सैलरी बेस भी अच्छा होगा ऑब्वियसली। बाकी की मैंने डिटेल आपके लिए वीडियो में कवर कर दिया, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है। ये आपकी एडवर्टीजमेंट रिलीज करी गई थी 14 अप्रैल को एंड यहाँ पर लास्ट डेट को आपको मॉडिफाई किया गया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑनलाइन का लिंक आपको यहीं मिल जाएगा। मॉडिफिकेशन यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि लास्ट डेट एक्सटेंड कर दी गई है अप्लाई करने के लिए। पहले मैं आपको एडवर्टीजमेंट दिखाती हूँ, फिर एक्सटेंशन वाली रिक्रूटमेंट का जो एक्सटेंशन वाली एडवर्टीजमेंट है वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। अलाउंसेज यहाँ पे मिलेंगे आपको, परमानेंट पोस्ट है, पे लेवल आपका 7 का रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है आपके लिए एंड 12 डिपार्टमेंट कवर हो रहे हैं, टोटल 88 वैकेंसी रहेगी। प्रॉपर डिटेल डिस्कस कर रखी है, लाइक कितना डिस्ट्रीब्यूशन है एक सब्जेक्ट में एक कैटेगरी का, एंड आप यहाँ पे डिपार्टमेंट डिस्कस करते हैं उसके बाद डिटेल पे आएंगे। तो फर्स्ट है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 4 वैकेंसी है, कॉमर्स में 18, इंग्लिश में 8, हिंदी में 7, हिस्ट्री में 8, मैथमेटिक्स में 8, फिजिक्स में 12, पॉलिटिकल साइंस में 10, संस्कृत में 6 एंड इकोनॉमिक्स में 4, कंप्यूटर साइंस में 1 एंड EVS में आपकी 2 वैकेंसी है। तो टोटल हो जाती है 88 वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशन UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहेगी। लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 55% मार्क्स बिसाइड कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए, लाइक नेट, सेट या स्लेट, इसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। PhD मैंडेटरी नहीं रहेगी लेकिन डिजायरेबल में काउंट होती है। एप्लीकेशन फीस है 500 फॉर अनरिजर्व OBC एंड AWS एंड नो एप्लीकेशन फीस विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट्स फ्रॉम कैटेगरीज लाइक SC ST PWD एंड वुमन एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू एनी कैटेगरी। उसके अलावा इतनी ही डिटेल आपको मेंशन कर रखी थी, अदरवाइज़ ये आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज से रिलीज़ करी गई है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज। तो यहाँ पे API स्कोर की भी इंपॉर्टेंस होती है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, जाइए चेकआउट करिए, अप्लाई करिए, समझ नहीं आता तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अब आती है कि आपकी एक्सटेंशन वाली एडवर्टीजमेंट, तो ये एक्सटेंशन वाली एडवर्टीजमेंट है, पहले इसकी जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने के लिए इज़ इन ऑफ अप्रैल में थी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके आपकी May 19 तक कर दी गई है, ठीक है। अदर कंडीशंस विल रिमेन सेम्ड। तो ये थी आपकी, आप देख सकते हो अच्छी रिक्रूटमेंट है, अप्लाई करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ठीक है।